आज हम जानेंगे हाउ टू अप्रोच मेंस आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीएससी एग्जाम। हेलो एवरीवन, आई एम अंजू कुमारी, अ करियर साइकोलॉजिस्ट ऑफ योजना आईएएस। आज हम जानेंगे हाउ टू अप्रोच मेंस आंसर राइटिंग फॉर यूपीएससी एग्जाम और स्टेट पीएससी एग्जाम। ओके, तो सबसे पहले आपको मेंस आंसर राइटिंग के लिए, बहुत स्टूडेंट को स्टार्टिंग करने में डर लगता है कि हम मेंस आंसर राइटिंग कहाँ से शुरू करें। जो प्रिपरेशन स्टार्ट किए हैं ये उनके लिए है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन का एनालाइज द क्वेश्चन एंड अंडरस्टैंड द की पॉइंट्स। सबसे पहले आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, उसको एनालाइज कीजिए और उसके की पॉइंट को अच्छे से अंडरस्टैंड कीजिए, ठीक है, कि क्वेश्चन में क्या की पॉइंट है और यह क्या पूछना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद यूज फैक्ट्स, फिगर्स एंड एग्जांपल टू बैकअप पॉइंट्स। जब आप आंसर लिखते हैं तो उसको आंसर को और अच्छा बनाने के लिए और इन आंसर को इनरिच करने के लिए आपको उसमें फैक्ट यूज करना है जो फैक्ट रिलेटेड है, फिगर्स यूज करना है, फिगर्स आप डायग्राम बना सकते हैं, अगर मैपिंग का क्वेश्चन है तो मैप ड्रॉ कर सकते हो, वर्ल्ड मैप, इंडिया का मैप, ठीक है, और डेटा के सहारे आप पाई चार्ट भी बना सकते हो, ठीक है। एग्जांपल आप उसका एग्जांपल भी लिख सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप एक क्वेश्चन देखिए जो इस बार का यूपीएससी 2023 में मेंस में पूछा गया था, जीएस पेपर 1 में, डिस्कस द कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, क्वेश्चन को पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, एक बार में नहीं समझ में आ रहा है दो बार पढ़िए, दो बार नहीं समझ में आ रहा है तीन बार पढ़िए, चार बार पढ़िए। डिस्कस द कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। यहाँ आपको की पॉइंट समझना है, की पॉइंट क्या है, ठीक है। आप इनिशियल स्टेज में हैं, कोई बात नहीं, आप इतने बड़े क्वेश्चन का एक बार में आंसर नहीं लिखिए, सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन के बारे में लिखने के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा क्लाइमेट, क्लाइमेट क्या होता है, व्हाट इज क्लाइमेट। जब तक आपको ये नहीं पता है कि क्लाइमेट क्या है तब तक आप क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं समझ सकते हैं। तो आप इनिशियल स्टेज से एडवांस स्टेज तक जाइए, ठीक है। तो सबसे पहले आप इस क्वेश्चन में से क्लाइमेट चूज कीजिए, सबसे पहले आप देखिए क्लाइमेट क्या होता है, ठीक है, क्लाइमेट जान गए। उसके बाद फैक्टर्स, फैक्टर्स अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, कौन कौन सा फैक्टर है जो क्लाइमेट को अफेक्ट करता है, ठीक है, इतना आप समझ गए। उसके बाद आप समझिए ट्रॉपिकल कंट्रीज, ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन कौन सी कंट्री है जो ट्रॉपिकल है, ट्रॉपिकल कंट्रीज के बारे में आपको जानना होगा। ठीक है, उसके बाद ट्रॉपिकल कंट्री के बारे में आप जान गए, उसके बाद ट्रॉपिकल कंट्रीज के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जानना होगा, ट्रॉपिकल कंट्री, ट्रॉपिकल कंट्री का टेम्परेचर कैसा होता है, वहां का टेम्परेचर के बारे में जानना होगा आपको, ट्रॉपिकल कंट्री में प्रेसिपिटेशन का क्या रेंज है, प्रेसिपिटेशन, इसका क्या रेंज है, वहां का सॉइल, सॉइल टाइप कैसा होता है, सॉइल टाइप, जब आप सॉइल टाइप जानेंगे तो वहां कैसा सॉइल होता है, ब्लैक सॉइल, एलोवेरल सॉइल, रेड सॉइल, तभी तो आप जान पाएंगे उस सॉइल में किस टाइप के क्रॉप उगते हैं। इसके बाद
सॉइल टाइप, इसके बाद आपको पता चलेगा क्रॉप टाइप कि किस टाइप के वहाँ क्रॉप उगाया जा सकता है। अब देखिए कनेक्टिविटी कहाँ बन रहा है, क्रॉप से डायरेक्ट कनेक्टिविटी फूड के पास जा रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं आप, क्रॉप से डायरेक्ट कनेक्टिविटी फूड सिक्योरिटी पे जा रहा है। अब आप समझिए कि क्लाइमेट चेंज क्या होता है, क्लाइमेट चेंज क्या है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज के बारे में जानिए। इसके बाद आपको जानना होगा क्लाइमेट चेंज क्यों होता है, व्हाई, क्लाइमेट चेंज का इफेक्ट क्या क्या है, ठीक है, उसमें से आपको एक इफेक्ट फूड सिक्योरिटी पे भी आएगा। जब क्लाइमेट चेंज होगा तो इस टेम्परेचर पे भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, प्रिसिपिटेशन पे भी प्रभाव पड़ेगा और क्रॉप पे भी प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि प्रिसिपिटेशन चेंज हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, तो क्रॉप भी तो चेंज होगा ना, ठीक है। तो उसी तरीके से ये डायरेक्ट आपका लिंक कर रहा है फूड सिक्योरिटी के ऊपर। तो आपका अप्रोच ऐसा होना चाहिए कि आप इनिशियल से एडवांस तक जाइए। आपको पता ही नहीं है क्लाइमेट क्या होता है, आप इस क्वेश्चन का आंसर कैसे लिख सकते हैं, कंसिक्वेंसेस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन ट्रॉपिकल कंट्रीज, आपको पता ही नहीं है ट्रॉपिकल कंट्रीज कौन कौन सी है ना। तो सबसे पहले आपको जानना है व्हाट इज क्लाइमेट, फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, इनिशियल स्टेज से मैं बता रही हूँ, इतने बड़े क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखिए, सबसे पहले आप दो लाइन में आंसर लीजिए व्हाट इज क्लाइमेट, उसके बाद आप उसका आंसर लिखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट, उसके बाद आप आंसर लिखिए ट्रॉपिकल कंट्रीज, कौन कौन से ट्रॉपिकल कंट्रीज है, ठीक है, ट्रॉपिकल कंट्रीज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वहाँ का टेम्परेचर कैसा होता है, प्रिसिपिटेशन का रेंज क्या है, वहाँ का सॉइल कैसा होता है, ठीक है, वहाँ का सॉइल कैसा होता है, वहाँ का क्रॉप कैसा होता है, ठीक है। उसके बाद आपको जानना होगा क्लाइमेट चेंज के बारे में, क्लाइमेट चेंज क्या होता है, ठीक है, क्लाइमेट चेंज क्यों होता है और उसका प्रभाव क्या क्या है, ठीक है, तभी उसके बाद आप ये पूरे क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हैं। इसके साथ ही आप मैप भी ड्रॉ कर दीजिए ट्रॉपिकल कंट्रीज का, वर्ल्ड मैप पे ट्रॉपिकल कंट्रीज को लोकेट कर दीजिए, ठीक है, डेटा आप दे सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी के का क्या प्रभाव पड़ता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका अप्रोच होना चाहिए आंसर राइटिंग का, ठीक है। आप इतने बड़े क्वेश्चन देखकर डरना नहीं है कि क्या पूछ दिया, इसमें शुरू कहाँ से करें, लिखे क्या, ऐसा बिल्कुल भी डरना नहीं है आपको। आप छोटे छोटे इतने बड़े क्वेश्चन का छोटा छोटा आप करके आप उसका आंसर लिख सकते हैं, जैसे क्लाइमेट चेंज, फूड सिक्योरिटी, ट्रॉपिकल कंट्रीज, ठीक है, ओके। जैसे योजना IAS में आपको UPSC का कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है। जैसे मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से किसी भी क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं, कि कैसे हम लिखें इसका, शुरुआत कहाँ से करें, ठीक है। तो यहाँ आपको स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, फिर उसके बाद आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाई जाती है। जैसे क्लासेस जो होती है योजना IAS में, जीएस फाउंडेशन में हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं कंप्लीट प्रीलिम्स प्लस मेंस प्लस पर्सनालिटी टेस्ट पर्सनालिटी टेस्ट मतलब इंटरव्यू की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, ठीक है। इसके बाद जो क्लासेस होगी वो हाइब्रिड मोड पे होगी,
हाइब्रिड मोड मतलब कि अगर आप ऑफलाइन में एडमिशन ले रहे हैं, ऑफलाइन क्लास में, कभी किसी कारणवश आप क्लास अटेंड नहीं कर पाए, कुछ भी इमरजेंसी हो सकता है, तो आप घर बैठे लाइव ऑनलाइन क्लास अटेंड कर सकते हैं। अगर आप लाइव क्लास भी अटेंड नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, और इस रिकॉर्डेड, जैसे कि आपका जीएस फाउंडेशन का ड्यूरेशन है 1 ईयर तक आपका कंप्लीट कराया जाता है, तो रिकॉर्डेड वीडियो आपके पास 3 साल तक रहता है। इसका बेनिफिट ये है कि आपके क्लास में कोई भी चीज़ें पढ़ाई गई 2 महीने 4 महीने के बाद आप रिवीजन कर रहे हो, भूल सकते हैं, भूल जाओगे कुछ, कोई कुछ कॉन्सेप्ट आप भूल जाते हैं, रिवीजन करते टाइम आपको याद नहीं रहती है कुछ कॉन्सेप्ट, तो आप क्लास नोट्स देख सकते हैं, वहाँ से भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप ये रिकॉर्डेड वीडियो के थ्रू और कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस में आपको बेसिक एनसीईआरटी टू एडवांस लेवल तक आपको समझाई जाएगी। जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन मैंने आपको दिखाया, डिस्कस द कंसिक्वेंसेज ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन द फूड सिक्योरिटी इन क्लाइमेट ट्रॉपिकल कंट्रीज, तो इसमें अगर आपको बेसिक क्लाइमेट के बारे में नहीं पता है तो आप ये पूरा क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए हम बेसिक एनसीईआरटी से लेकर एडवांस लेवल तक हम पढ़ाते हैं, और यहाँ आपको टीचर क्लास में पढ़ाएंगे भी, कॉन्सेप्ट समझाएंगे भी, और साथ में आपको क्लास नोट्स भी देंगे। ठीक है, इसके अलावा हम स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करवाते हैं। स्टडी मटेरियल के साथ ही मंथली करेंट अफेयर की मैगजीन प्रोवाइड करवाते हैं, मंथली करेंट अफेयर की मैगजीन प्रोवाइड करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम आपको टेस्ट सीरीज, क्योंकि बिना टेस्ट दिए आप अपने आप को नहीं समझ सकते कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं और मेरी तैयारी कैसी है, तो इसलिए हम टेस्ट सीरीज भी रखते हैं। इसमें प्रीलिम्स का भी टेस्ट होता है प्लस मेंस का भी टेस्ट होता है। ठीक है, इसके अलावा हम क्लास टेस्ट भी करवाते हैं, जैसे भी कोई टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो उस टॉपिक से रिलेटेड क्लास टेस्ट भी हो जाएगा। उसके अलावा आपका प्रीलिम्स में 20 सेक्शनल टेस्ट होगा प्लस 20 फुल लेंथ टेस्ट होगा। मेंस में टोटल, प्रीलिम्स में टोटल 40 टेस्ट होते हैं और मेंस में 12 सेक्शनल होता है, 8 फुल लेंथ होता है एंड 4 एसए का टेस्ट होता है, मतलब टोटल 24 टेस्ट आपका मेंस में होता है। ठीक है, क्लासेस आपकी मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लास होती है, सैटरडे को आपका करेंट अफेयर का क्लास होगा प्लस डाउट सेशन भी होगा। अब देखिए, करेंट अफेयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ये आप करेंट अफेयर से रिलेटेड प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेंस में भी पूछे जाते हैं, और इंटरव्यू में भी आपसे करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, तो इसलिए करेंट अफेयर के लिए हम डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस यूट्यूब चैनल पर डेली होती है, वीकली करेंट अफेयर की क्लासेस होगी, मंथली करेंट अफेयर की मैगजीन मिलेगी, इसके अलावा ईयरली भी करेंट अफेयर की मैगजीन मिलती है। ठीक है, तो यहाँ से आपका करेंट अफेयर रिवीजन भी हो रहा है और अच्छे से क्लियर भी हो रहा है। ठीक है, जैसे कि क्लास में मैक्सिमम स्टूडेंट 40-50 होते हैं, कम स्टूडेंट है ताकि आपके टीचर से डायरेक्ट इंटरेक्शन हो पाए, छोटी छोटी चीज़ें आप क्लास में नहीं समझ में आ रही है तो आप डायरेक्ट पूछ सकते हैं, जहाँ स्टूडेंट 400-500 होते हैं वहाँ वो नहीं पूछ पाते हैं टीचर से। ठीक है, तो यहाँ आपकी डायरेक्ट
इंटरेक्शन होगी, आप वहाँ पूछ सकते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन। इसके अलावा अगर आप रिवीजन कर रहे हैं या कोई प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, वहाँ कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो आप ये सैटरडे के डाउट सेशन में पूछ सकते हैं। इसीलिए सैटरडे को डाउट सेशन रखा गया है, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट बैच जो स्टार्ट हो रहा है वो 2nd of November से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। वहाँ आप GS फाउंडेशन का बैच है ये, जहाँ आपके स्टार्ट होगा क्लाइमेटोलॉजी से, जो कि ज्योग्राफी का पार्ट है, ठीक है। इंग्लिश मीडियम में होगी क्लासेस, हाइब्रिड मोड होगी, मतलब कि मैंने आपको बताया ऑफलाइन एज वेल एज ऑफ, अगर आप ऑफलाइन में एडमिशन लेते हैं तो आपको ऑनलाइन का भी एक्सेस मिलेगा। अगर आप ऑनलाइन भी नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास रिकॉर्डेड वीडियो भी रहेगा, ठीक है। इसकी टाइमिंग होगी 11:10 AM, ओके। ये न्यू बैच है, आप ज्वाइन कीजिए। ये क्लाइमेटोलॉजी आपको पढ़ाएंगे कन्हैया सर खुद UPSC का इंटरव्यू दे चुके हैं, मल्टीपल टाइम्स इंटरव्यू दे चुके हैं, स्टेट PSC का भी मल्टीपल टाइम इंटरव्यू दे चुके हैं, तो इनको एग्ज़ाम के बारे में अच्छा नॉलेज है, अच्छा नहीं बहुत अच्छा नॉलेज है, बहुत एक्सपीरियंस टीचर हैं, ठीक है। तो आप आइए, क्योंकि एक एक्सपीरियंस टीचर ही आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि आपको किस तरीके से तैयारी करनी है और हमें कहाँ पे और इम्प्रूव करने की ज़रूरत होती है, हम कहाँ मिस्टेक करते हैं, ठीक है। तो आइए और योजना IAS में ज्वाइन कीजिए, और हम चाहते हैं कि आपका रिजल्ट हो नेक्स्ट ईयर, ठीक है।